फाइनली गाइस सीजन 2 आ गया है। राइटर ने 3 महीने बोल के 5 महीने लगा दिए सीजन 2 रिलीज करने में। तो बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं सीजन 2। हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में रॉक एम्पायर का कैपिटल दिखाया जाता है, जिसे सिटी ऑफ वाटर वेनिसिसा कहा जाता है। और हमें कोलोसल एकेडमी के बारे में बताया जाता है, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी, जो हर बच्चे का सपना रहता है उस एकेडमी में जाने का। और उसी एकेडमी का आज इंटर सेरेमनी है। पहले दिन ही सीनियर्स अपने जूनियर्स को अपने क्लब में ज्वाइन करने के लिए आए है। सभी सीनियर्स ने स्टूडेंट को अपना क्लब ज्वाइन करने के लिए बोल रहे होते हैं। उसी में हमें दो बंदे को दिखाया जाता है, जो नए स्टूडेंट को अपने क्लब में ज्वाइन करवाने आए थे। हमें बताया जाता है कि एकेडमी में 2 क्लासेस है। पहली आइस क्रॉप, उसमें वो मेंबर है जिसमें स्वॉर्ड, स्पेयर, आर्चर, ना जाने कितने लोग। दूसरे फायर क्रॉप, जिसमें मैजिक करने वाले स्टूडेंट होते हैं। वही दो बंदे बात कर रहे होते हैं जो कि एकेडमी के सीनियर्स रहते हैं, जो कि नए स्टूडेंट को अपने क्लब में ज्वाइन करवाने चाहते थे। वो लोग कुछ लिस्ट के नाम देखने लगते हैं जो कि एकेडमी के टेस्ट में अच्छा किए थे। हमें एक नए स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है, डॉन विकांस्टो फैमिली का टूट्रो, जो कि स्पेयरमैनशिप में फेमस है। दूसरी आसर फैमिली का बियंका, जो कि वोमैनशिप में फेमस है, और वो आइस क्रॉप्स की प्रैक्टिकल एग्जाम में टॉप पैलेस पे आई थी। उसके बाद 3, 4, 5 पैलेस पे आयरन ब्लड स्वॉर्डमैनशिप बास्करविले के ट्रिपल्स है। वेल, वो लोग बास्करविले से है तो उनके बारे में डिटेल जानना उतना जरूरी नहीं है। एंड लास्ट फायर क्रॉप्स में एक ऐसा पर्सन है जो सभी का अटेंशन अपनी ओर कर रही है, जो कि एक्सट्रीम टैलेंटेड है। उसका नाम है सिंकिया। उसने प्रैक्टिकल एग्जाम में फर्स्ट और थ्योरी में सेकंड प्लेस लाके एकेडमी के अंदर नया रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन एक ऐसा पर्सन है जिसने थ्योरी एग्जाम में टॉप किया था, और उसका नाम है विकीर। फाइनली हमें विकीर को दिखाया जाता है, जो एकेडमी के यूनिफॉर्म में कूल लग रहा था। और वही दो बंदे को दिखाया जाता है, जो विकीर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भले विकीर ने टॉप किया है थ्योरी में, अगर वो विकीर को अपने क्लब में लेते हैं तो पक्का क्लब का माहौल खराब हो जाएगा। हमें टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, पढ़ाकू लोगों की नहीं। बिकर भी उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने मन में सोचता है उसको एकेडमी के अंदर लो प्रोफाइल करके रहना है। इसलिए उसने बास्करविले का नाम छोड़ दिया और एक कॉमनर होकर एडमिशन करवाया। उसने सुना था कि एक कॉमनर को एकेडमी में एडमिशन करवाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसने थ्योरी में टॉप किया ताकि वो एकेडमी के अंदर आसानी से एडमिशन करवा ले। और विकर यही सोचते सोचते जा रहा था, और विकर के पीछे वो 3 तिरपल्स विकर का पीछा कर रहे होते हैं। इतने में विकर को एक आवाज आती है, तो विकर पीछे पलट के देखता है। बहुत सारे स्टूडेंट एक सीनियर को घेर के खड़े थे, और वो लोग उसे कहते हैं, प्लीज सीनियर इधर देखो, मैं तुम्हारा फैन हूँ, मैंने तुम्हारी वजह से इस एकेडमी में एडमिशन करवाया। और बहुत सारे नए स्टूडेंट उस सीनियर का तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वो सबको शांत कराती है। हमें इसके बारे में बताया जाता है, स्कूल प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट न्यूज क्लब की डॉलरलेस लुई क्वीन वीडा कहते हैं कि अगर कोई न्यूज़पेपर क्लब में ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। सभी स्टूडेंट मान जाते हैं। विकर भी उसकी ओर देख रहा था और कहती है कि वो उसकी सीनियर है। डोलरेस को भी लगा कि उसकी ओर कोई देख रहा है, तो वो पीछे पलट के देखती है, लेकिन विकर वहाँ से पहले ही जा चुका था। अगले सीन में विकर को देखते एक दरवाजे के पास, तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि क्या वो उसका रूम है। विकर भी साइड में पलट के देखता है एक नए स्टूडेंट को। वो कहता है तब तक हम रूममेट हुए, और वो स्टूडेंट अपना नाम बताता है कि उसका नाम पिगी है, उससे मिलकर अच्छा लगा। विकर भी अपना नाम बताता है कि उसका नाम विकर है, और विकर सोचता है पिगी उसके पास्ट लाइफ में वो बहुत काइंड था और वो उससे बातें करने आता था, लेकिन वो पिछले लाइफ में ट्रिपल्स का सिर्फ सपोर्टर बन के आया था। उस टाइम पीकी को बहुत बुली किया जाता था, आई होप कि जो पहले हुआ था वो इस बार ना हो। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। पीकी बिकर से कहता है कि वो कौन सा बेट चूज करेगा, क्या वो नए स्टूडेंट के वेलकम सेरेमनी पार्टी में जा रहा है। मैं कैसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरूर वो तो जाना ही वाला है, लेकिन विकर उसको मना कर देता है। पीकी कहता है क्या वो सच में नहीं जाने वाला, तो विकर कहता है कि हाँ। पीकी बताता है कि अगर उन्हें एकेडमी में 4 साल रहना है तो अपने सीनियर्स के साथ उन्हें अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा, नहीं तो उसे एकेडमी के अंदर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा और वो अकेला हो जाएगा। बहुत सारे बातें बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे सीनियर्स होंगे और वहाँ पर नए स्टूडेंट होंगे। इतने सारे बातें सुन के विकर अपने मन में सोचता है कि पीकी हमेशा की तरह इन्फॉर्मेशन गैदर करने में काफी अच्छा है। पीकी को लगता है कि उसने इतना सारा इन्फॉर्मेशन बताया तो वो जरूर आएगा, लेकिन विकर दोबारा से मना कर देता है। तो पीकी हैरान हो जाता है और पूछता है क्यों, कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो जाके मजे कर सकता है। पीकी कुछ नहीं बोल पाता। विकर बाहर निकल जाता है और अपने मन में सोचता है कि उसे भी पीकी की तरह इन्फॉर्मेशन जमा करने सीखना होगा। सीन कट होता है, विकर को देखते हैं हॉन्टेड बन के डीमंस के शिकार पर निकल चुका है। लेसन में कुछ लोगों को देखते जो कि बात कर रहे होते बच्चे के बारे में कि उन लोगों ने आज कितने बच्चे को पकड़ा। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बड़ी बैडस लग रहा था। वो कहता है कि उसने सोचा था कि यहाँ पर कुछ पावरफुल लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कमजोर लोग हैं। और वो बंदा उन बंदे को भला बुरा बोल के जाने लगता है, लेकिन एक बंदा उस बंदे को पहचान जाता है और कहता है कि वो रोन है ना। जैसे वो दूसरा बंदा अपना नाम सुनता है वो वहीं रुक जाता है और गुस्से से कहता है कि उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की। जैसे ही रोन पीछे पलट के देखता है वो बंदे पहले निपट चुके थे। रोन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी साला हुआ क्या। रोन को आवाज आती है कि रोन हम्ब्रेट विस्टेन 4 साल पहले उसने अपने पड़ोसी को मार के सेक्रीफाइस के तौर पर यूज किया था डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। रोन अपने वेपन्स निकाल के इधर उधर देखने लगता है कि आखिरकार ये कौन बोल रहा है। वो आवाज आगे कहती है कि इसके बाद उसने एक नॉर्थन गिल्ड को ज्वाइन कर लिया।
उसके बाद उसने बहुत से बुरे बुरे काम किए। रॉन गुस्से से कहता है कि कमीने तू क्या बोल रहा है, जल्दी से बाहर निकल। तभी विकी उसके पीछे पहुंच के उसके और भी क्राइम्स के बारे में बताने लगता है। रॉन उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन विकी बहुत इजीली टॉच कर देता है उसके अटैक को। रॉन को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि उसका ओपोनेंट को इजी टारगेट नहीं है। रॉन और कुछ अटैक कर पाता है लेकिन विकी उससे पहले उसके दोनों हाथ को काट देता है। रॉन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है कि मेरा हाथ मेरा हाथ। फिर कहता है कि उसने जो क्राइम किया है इसके लिए ये सजा तो बहुत कम है। और विकी रॉन को पकड़ते हुए उसे डीमन कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पूछता है कि उसने किस डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर वो अपना मुंह नहीं खोलता है तो अगली बार उसकी दोनों पैर की है। उनको समझने में देर नहीं लगती है कि उसने किसी गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। और वो जैसे डीमन का नाम बताने वाला था तभी उसका फेस अलग सा होता है और उसका फेस ही फट जाता है। विकी उसे देखता है और कहता है कि एक और की मौत फेस फटने से हो गई, ये टोटल 3 हो गए। और विकी अपना ब्लैक लिस्ट में एक और का नाम काट देता है। हमें विकी के ब्लैक लिस्ट के बारे में बताया जाता है। ब्लैक लिस्ट में उन लोगों का नाम है जिसने डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसमें उनका भी नाम है जो कि डीमन के साथ हाथ मिला के ह्यूमंस को धोखा दिए है। और विकी पतन से पहले उन सभी को मारना चाहता है। विकी ने 3 लोगों को पकड़ा था जिन्होंने डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन जब भी विकी ने उनसे डीमन के बारे में पूछा उनका फेस एक्सप्लोड हो जाता था। और विकी को शक हो गया था कि अगर डीमन का यही स्किल है इसका मतलब यह है कि वो डीमन कैपिटल के ही अंदर छिपा है। नीले डीमन में से एक वो जिसने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। और विकी अलग अलग जगह पे जाके उन लोगों को मारता है जिसने डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है या उनके साथ हाथ मिलाया है। पर जब भी विकी उनसे डीमन के बारे में पूछने का कोशिश करता उनका चेहरा एक्सप्लोड हो जाता था। और विकी को पता चल गया था कि वो इस डीमन का एक कंडीशन है, अगर वो डीमन के बारे में कुछ बताते हैं तो उनका फेस एक्सप्लोड हो जाएगा। और इसी तरह करते करते विकी ने पूरे 29 लोगों को मार दिया था लेकिन उसको डीमन के बारे में पता नहीं चला। विकी को जैसे एक्सपेक्ट था उसको एक ही दिन में सब कुछ पता नहीं चल सकता था इसलिए उसने दोबारा से एकेडमी जाने का डिसाइड किया। और विकी चोरी चुपकी एकेडमी घुस जाता है और वो देखता है कि नए स्टूडेंट की सेरेमनी पार्टी अभी भी चल रही है और वो पार्टी में जाने के बारे में सोचता है इसलिए वो अपना पुराना गेटअप ले लेता है। अगले सीन में हमें वेलकम पार्टी में दिखाया जाता है जो सभी सीनियर्स और जूनियर्स मिलकर खा रहे होते हैं पी रहे होते हैं और नया स्टूडेंट अभी भी प्रेसिडेंट का तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत सुंदर है। कि टूटो जो कि जूनियर रहता है वो भी अपने सीनियर्स के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा होता है और बियंका भी अपने सीनियर्स को वाइन सर्व कर रही थी। फिर भी वहां पर आता है और उसकी नजर उन दोनों के ऊपर जाती है, बियंका और टूटो पर। उसने नहीं सोचा था कि वो दोनों एक ही क्लास में होंगे। विकी बताता है कि वो ग्रेट हीरो केमिस के पार्टी में थे जो कि डीमंस के अगेंस्ट जीतने में सपोर्ट किया था। वो एक ऐसा पर्सन था जिसने बैटलफील्ड के अंदर फ्रंट लाइन में जाकर डीमंस के साथ हेड ऑन फाइट लिया था। डॉन ग्रेट फैमिली में से एक डॉन एजियो स्वॉर्डमैनशिप फैमिली का टूटो जो कि अपने स्पेयरमैनशिप के लिए जानी जाती है। दूसरी बियंका वो आर्चर जिसने काउंटलेस डीमंस को मारा, वो भी 7 ग्रेट फैमिली में से एक है जो कि अपने आर्चर्स के लिए जानी जाती है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जो कि डीमंस के अगेंस्ट जीतने में हेल्प किए थे। विकी ने कभी नहीं सोचा था कि वो उन्हें दोबारा यहाँ पर देखेगा। तभी विकी को एक आवाज आती है, तभी विकी साइड में देखते है कुछ सीनियर्स को पीकी को परेशान करते हुए। वो सीनियर्स पीकी को गाना गाने को कह रहे होते हैं। तभी एक सीनियर लड़की पीकी को कहती है कि रोना बंद करो, ये लो इसे पियो। अगर उसने इसे पूरा खत्म कर लिया तो उसे गाना नहीं गाना होगा। पीकी कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा है, वो इतना नहीं पी पाएगा। लेकिन सीनियर्स उसको फोर्स करने लगते हैं इसको पीने के लिए। और वो कहता है कि क्या वो अपने सीनियर्स की बात नहीं सुनेगा। पीकी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता तो वो ड्रिंक को लेके पीने लगता है। लोग उसको चेयर करने लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन पीकी ज्यादा नहीं पी पाता और वो वॉमिट कर देता है। सीनियर्स उसका मजाक बनाने लगता है कि उसने वॉमिट कर दिया, उसका निकनेम तो वॉमिट पीकी रख देना चाहिए। पीकी बेचारा वो रोने लगता है। तभी वहाँ विकी आता है और उसके वॉमिट को अपने कपड़ों से ढक देता है और विकी पीकी को यहाँ से जाने को कहता है। सीनियर्स विकी को देखते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिरकार वो है कौन। विकी सोचता है कि पास्ट लाइफ में पीकी ने बुली के कारण ही एकेडमी को छोड़ दिया था और वो एक लोअर रैंक गवर्नमेंट ऑफिसर बना और अपने पेरेंट्स के साथ एक दयनीय जिंदगी जीने लगा। वो पीकी से दोबारा तब मिला जब पतन स्टार्ट हुआ था फ्रंट लाइन पर। वो उन लोगों में से एक था जिन्होंने खुद से डिसाइड किया था फ्रंट लाइन पर जाने का। उसने अपने नॉलेज से बहुत लोगों की जान बचाई थी। पीकी एक ऐसा दोस्त है जो कि रिस्पेक्ट के लायक है इसलिए वो इस बार चुपचाप नहीं बैठ सकता और विकी पीकी को डोमेट्री में जाने को कहता है। तभी एक सीनियर पीकी को कहता है कि वो क्या कर रहा है, क्या वो पागल हो गया, क्या दिखाई नहीं दे रहा कि एक सीनियर उससे बात कर रहा है, तो उसे बीच में नहीं आना चाहिए। और वो विकी को मारता भी है और वो विकी का इंसल्ट भी करते है। जैसे ही ट्रिपल्स उसको देखते है विकी को मारते हुए वो गुस्सा जाते हैं, मानो कि वो उसे वहीं पर मार देना चाहते है। लेकिन विकी जब उन्हें घूर के देखता है तो वो अपने आप को शांत कर लेते हैं और उन्हें याद आ जाता है कि विकी ने उनसे कहा था वो एकेडमी के अंदर एक कॉमनर है, अगर उन लोगों ने उसके आइडेंटिटी को रिवील किया तो वो तीनों को जान से मार देगा। तभी वही लड़की अपने साथी को शांत कराती है और कहते है कि वो उनके सीनियर्स है
इसलिए हमें अपने जूनियर्स को परेशान नहीं करना चाहिए। और अगले सीन में अपने रंग बदलते हुए कहते हैं कि उसके पास मेरे लिए एक अच्छा प्लान है, और वो बिकर को वही बड़ा गिलास देती है ड्रिंक करने को, बोलते कि अगर उसने इसे पूरा खत्म कर लिया तो वो उन दोनों को जाने देंगे। पीगी बिकर को समझाता है कि वो ठीक है, उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिकर उस गिलास को उठाता है और उसको पीने लगता है। एक पल के लिए सभी हैरान हो जाते हैं। वो लड़की सोचती है उसने उस ड्रिंक के अंदर अलग अलग ब्रांड के अल्कोहल मिलाया है, वो इसे कभी खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन बिकर उसको पी के खत्म भी कर देता है। वो लड़की जो कि हंस रही थी उसका मुंह ही बंद हो जाता है, और बिकर पीके को लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से एक सीनियर बिकर को रोक लेता है। तभी टूडो और बियंका को एकदम खतरनाक से एनर्जी सेंस होता है। बिकर जो कि बड़ी बैडेस है उस सीनियर से पूछता है कि हाँ क्या उसे और भी कुछ चाहिए। इन दूसरी ओर सीनियर के भी फट चुकी थी, वो कुछ नहीं बोल पाता। तभी पीछे से डॉलरस आती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहे। वो सभी थोड़ा घबरा जाते। वो लड़की कहते है कि प्रेसिडेंट डॉलरस वो तो बस अपने नए जूनियर्स के साथ बात कर रहे थे। लेकिन डॉलरस को पहले ही से ही पता होता है कि वो उनको बुली कर रहे थे और उन्हें समझाती है कि उन्हें अपने जूनियर के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। दूसरी ओर विकिर पिगिर को लेकर जा रहा होता है। तिरुपस विकिर को देखते हैं और उन्हें वो बहुत कूल लग रहा होता है। दूसरी ओर बियंका और टूडो सोच रहे होते हैं कि वो एनर्जी कैसी थी। तभी हमें एक लड़की को देखा जाता है जो विकिर और पिगी को जाते हुए देखती है और कहते हैं कि उसने फाइनली एक अच्छे पर्सन को खोज लिया। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसने प्रैक्टिकल के अंदर टॉप और थ्योरी के अंदर सेकंड लाके एकेडमी के अंदर रिकॉर्ड बनाया था, जिसका नाम है सिंखिया। और इसमें बताया जाता है एकेडमी में आइस क्रॉप्स और फायर क्रॉप्स क्लास एक साथ अटेंड करती है ताकि दूसरे स्टूडेंट के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा बने। यही एकेडमी का पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास। एक टीचर जो कि सभी स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा था और उसका लेक्चर खत्म भी हो जाता है, इस टीचर के बारे में बताया जाता है ये कॉम्बैक्ट थ्योरी टीचर है और इसका नाम बेंसी मोर्ग है। वो टीचर कहता है कि आज की क्लासेस यहीं खत्म होती है, और टीचर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, बताओ कि बावेरियन ट्राइब के साथ एम्पायर का कब और कहां लड़ाई हुई थी। स्टूडेंट तो उसका क्वेश्चन पूछ के इधर उधर अपना मुंह करने लगते है कि प्लीज मुझसे ना पूछो। जो कि बुक में खोजने लगता है इसके बारे में, लेकिन उसको बुक में नहीं मिलता, और यहाँ तक कि बियंका भी उसको कुछ आइडिया नहीं रहता। वही सिंगलर अपना हाथ उठाती है और कहते है कि मैं बताऊंगी। टीचर उसे देख के पहचान जाता है कि वो फायर क्रॉप्स की सिंखी है, जिसने प्रैक्टिकल एग्जाम में टॉप और थ्योरी एग्जाम में सेकंड प्लेस ला के टॉप की थी। टीचर उसे बोलता है कि ठीक है आंसर दो। सिंखिया बताते है कि एम्पायर और बर्बर ट्राइब की फाइट हाईली लैंड पर हुई थी, और कब हुई थी और कितनी बार हुई थी ये भी बता देती है, और उल्टा और भी इंफॉर्मेशन बताती है जो कि जानना इतना जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि राइटर ने उसके आंसर को ब्लर कर दिया है, और मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सके। दूसरी ओर विकिर को दिखाया जाता है जो कि अपने ही सोच में था। उसने कल 29 लोगों को मार दिया। उसने डिमंस के बारे में उनसे पूछताछ की, लेकिन उनसे पहले उनका शरीर एक्सप्लोड हो जाता था, और विकिर यही सब के बारे में सोचने लगता है कि उस डीमन की स्किल फेस एक्सप्लोड होना है और वो डीमन सिटी के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन उसको बाहर कैसे निकाले। पिगी विकिर को होश मिलाने का कोशिश करता है कि विकिर ये क्लासेस चल रही है, वो क्लास में नहीं सो सकता, लेकिन टीचर की नजर पहले ही विकिर के ऊपर जा चुकी थी, और विकिर को वो ताना देता है कि लगता है कि आइस क्रॉप्स की फायर क्रॉप्स से उतना अच्छा नहीं है। ये सोचना है कि एक ऐसा स्टूडेंट पहले क्लास में सोने की हिम्मत करेगा। सभी लोग विकिर की ओर देखने लगते है। विकिर उस टीचर से कहता है कि वो सो नहीं रहा था। ये हैरान हो जाते हैं विकिर का जवाब सुनके। दूसरे बच्चे विकिर के बारे में बात करने लगते हैं, कुछ बुराइयां करते हैं, कुछ तारीफ करते हैं। टूडरो को भी नजर विकिर के ऊपर जाती है। दूसरों की बात सुनके सोचता है कि तो ये है विकिर जिसने थ्योरी एग्जाम में टॉप किया था, लेकिन वो जानना चाहता है कि विकिर प्रैक्टिकल में कैसा है। इनकट होता है, फिर हमें बताया जाता है रनफेल्ट एक तरीके का गेम है। चलो मैं इसे आसान भाषा में समझने के लिए बता दूं। रनफेल्ट एक ऐसा गेम है जो कि फुटबॉल की तरह खेलते हैं। जैसे फुटबॉल हम लोग पैर के साथ खेलते हैं, लेकिन रनफेल्ट में वो लोग हाथों का यूज करते हैं। ये एक ऐसा गेम है जो कि हर टीम में 20 लोग होते हैं। एक टीम दूसरे गोल पोस्ट के अंदर गोल करेगा उसे पॉइंट मिलेगा। डैम मैं क्या फालतू की चीजें बता रहा हूँ, बस तुम लोग इतना समझो कि ये एक फुटबॉल है, हम लोग पैरों के साथ खेलते हैं, लेकिन ये लोग हाथों के साथ खेलेंगे। बस रूल्स के बारे में जान लो, इसमें माना और वेपन्स का यूज करना मना है, और एक टीम दूसरे टीम से ज्यादा पॉइंट बना लेती है तो वो जीत जाएगी। हमें देखा जाता है टूटरू को जो कि बॉल लेके भाग रहा था दूसरे टीम में गोल करने के लिए। दूसरे टीम के लोग उससे बॉल छीनने आते हैं, लेकिन वो उसे छीन नहीं पाते, और टूटरो खुद का तारीफ करता है कि वो इस गेम में काफी अच्छा है, आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया है। टूटरो का गेम देख के कुछ लड़कियां उसको चीयर करती है और कुछ उसको देख के ना खुश होती है। ट्रक गोल करने के लिए भाग रहा था, लेकिन उनके सामने ट्रिपल्स आ जाते हैं। वो टूटरो से कहता है कि वो इसे आगे उसको नहीं जाने देंगे। टूटरो कहता है कि उसने रूमर सुना था आयरन ब्लड स्वॉर्डमैनशिप के ट्रिपल्स के बारे में, पर माफ करना मेरा कोई इरादा नहीं है, तुम तीनों मॉन्स्टर के हेड ऑन फाइट लेना। और टूटरो तीनों को चकमा देते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी एक भाई उसको रोक लेता है और कहता है कि वो उसको आगे जाने नहीं देगा। तभी वो अपने पावर का यूज करते हुए उस ट्रिपल को मार देता है और वो पीछे जाके फेंकाता है। तुम लोग कमेंट करोगे कि ये तो रूल्स के अगेंस्ट है ना, उसने अपनी पावर का यूज किया, लेकिन मैं बताता हूँ कि रूल्स में सिर्फ माना और वेपन्स का यूज करना मना था, स्ट्रेंथ नहीं। और टूटरो आगे बढ़ने लगता है गोल करने के लिए। लोग उसको चेयर करने लगते हैं कि वाओ टूटरो वो अमेजिंग है। वे अपने मन में सोचते हुए जाता है कि हाँ मेरे से अच्छा कोई नहीं।
नहीं क्यों, वो अपने आप की कुछ ज्यादा तारीफें करने लगता है कि उससे अच्छा इस गेम में कोई नहीं है। वे टूटरो भागते भागते तभी अपने सामने नोटिस करते हैं विकिर को। उसके सामने विकिर खड़ा था। उसे सुबह की बात याद आती है कि ये विकिर है जो कि थ्योरी में टॉप किया था। दूसरी ओर विकिर भी सोचता है कि उसने ट्रिपल्स को कहा था कि उसके पास किसी को आने मत देना, अच्छा हुआ कि मैं साइड हट जाऊं। टूटरो उसकी ओर तेजी से भागते हुए कहता है विकिर से अपने मन में ही, मेरे दोस्त तुम्हें पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें ट्रेनिंग पर भी फोकस करना चाहिए। और वो विकिर को थोड़ा सबक सिखाने के बारे में सोचता है और वो विकिर से टकरा जाता है। लेकिन विकिर अपनी जगह से नहीं हिलता, वो खुद ही उड़ जाता है विकिर से टकरा के और उसकी आंखें बंद होने लगती है। उसको ऐसा करते हुए देख के बियांका सिंकिया भी हैरान थी। विकिर को भी कुछ समझ में नहीं आता, वो तो बस साइड होने का कोशिश कर रहा था लेकिन उसने जानबूझकर उसको हिट किया। जो भी मुझे भी इंजर्ड होने का एक्ट करना होगा। और विकिर नीचे बैठ के इंजर्ड होने का एक्ट करने लगता है। तभी अगले सीन में टूटो की आंखें खुलती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या, वो तो गेम खेल रहा था, क्या वो बेहोश हो गया था। तभी उसे याद आता है कि वो विकिर को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था और जब वो उसे हिट किया तो वो बेहोश हो गया था। और टूडो को विकिर के ऊपर शक होने लगता है कि विकिर कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो विकिर का दोबारा टेस्ट लेने के बारे में सोचता है। और गेम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। एक प्लेयर टूडो को बॉल पास करता है। टूडो उस बॉल को पकड़ता है और सोचता है अभी भी विकिर के बारे में कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। वो देखता है कि ट्रिपल्स विकिर को घेर के खड़े थे। बियांका और सिंकिया भी हैरान थी क्योंकि टूडो गोल की ओर नहीं बल्कि दूसरी ओर भाग रहा था। और टूडो ट्रिपल्स को आगे से हट जाने को कहते हैं लेकिन ट्रिपल्स कहते हैं कि वो उसको आगे जाने नहीं देंगे। लेकिन टूडो उन तीनों को बड़ी आसानी से पार कर देता है और वो विकिर की तरफ भागने लगता है। विकिर अपने मन में सोचता है वो दोबारा से उसकी ओर क्यों आ रहा है, गोल तो दूसरी साइड है। लेकिन दूसरी ओर टूडो ने डिसाइड कर लिया था कि आज वो विकिर का टेस्ट लेके ही रहेगा, इसलिए वो अपने फैमिली का सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, चंक स्पेयर टेकल, और बहुत तेजी से विकिर की ओर जाता है। विकिर भी उसे देख रहा था। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि कहता है कि ओ टूडो तुम उठ गए, मतलब कि टूडो दोबारा से बेहोश हो गया था विकिर से टकराने के बाद। टूडो उठता है, उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोबारा से कैसे बेहोश हो गया। वो दूसरा बंदा टूडो को शांत करता है और कहता है कि मैं बताता हूँ। वो कहता है कि तुम अपने फुल पावर के साथ उस लड़के से टकराए थे और तुम बेहोश हो गए थे। वो भी बंदा गेम में उतर जाता है और टूडो से कहता है कि वो समझ गया है कि टूडो उस बंदे के ऊपर फोकस क्यों कर रहा है, वो लड़का जरूर कुछ छुपा रहा है। और टूडो को बोलता है कि वो उसके बारे में पता लगाएगा, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ने मेरे दोस्त के साथ पंगा लिया है, वो इसे देखते नहीं रह सकता। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि नॉर्थ से आया है। इसका नाम सांचेल है और इसका फिजिक दूसरे स्टूडेंट से बहुत ज्यादा है। अपने फिजिक के कारण इसलिए उसने गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जब दोस्त के ऊपर बात आती है तो वो ऐसे ही चुप नहीं बैठ सकता। और सांचेल एक नॉर्थ की डायलॉग बोलता है जो कि मेरे समझ के बाहर है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि वो कहता है कि वॉरियर सिर्फ लड़ने के लिए पैदा होते हैं। दूसरी ओर ट्रिपल्स भी तैयार थे उसे रोकने के लिए, लेकिन सांचेल उसकी फिजिक इतनी ज्यादा थी कि वो एक साथ तीनों को दूर फेंक देता है। वो तीनों विकिर के पीछे जाकर फेंकाते हैं। विकिर उन्हें घूरते हुए कहता है कि क्या वो मरना चाहते हैं, लेकिन वो माफी मांगते हैं विकिर से। सांचेल जो कि फुल स्पीड में विकिर की तरफ आ रहा होता है, विकिर भी उसे सिर्फ देख रहा होता है। सांचेल विकिर से कहता है कि चलो देखेगी क्या वो उसके फुल पावर को संभाल पाता है कि नहीं। और सांचेल विकिर के ऊपर अपने फुल पावर से मारता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसने किसी माउंटेन के ऊपर अपना हाथ मारा। सांचेल की बॉडी पूरी हिल चुकी थी। विकिर अपने मन में सोचता है कि मुझे एक्टिंग करना होगा और विकिर अपने आप ही दूर जाकर फेंकाता है। तभी कोई कहता है कि सांचेल ने रूल्स को तोड़ दिया है, लेकिन वो दूसरा लड़का क्या वो ठीक है कहीं मरा तो नहीं। सांचेल के अभी भी हाथ कांप रहे होते, वो सोचता है कि अभी क्या हुआ, वो कोई ह्यूमन नहीं लग रहा था। तभी वहां पर तीन भाई में से एक भाई आता है और सांचेल के हाथों से वो बॉल को छीन लेता है। तभी रेफरी सिटी बजा देता है और इसी के साथ ट्रिपल्स की टीम जीत जाती है। उसके टीम में ट्रिपल्स को चेयर करने लगते है। विकिर अपने कपड़ा साफ कर रहा होता है, तभी विकिर के ऊपर कोई पानी डाल देता है। हम देखते हैं कि ये सांचेल रहता है। सांचेल विकिर से कहता है कि उसे तो खुश हो जाना चाहिए थे, उसकी वजह से उसकी टीम जीत गई। टूडो भी विकिर से कहता है कि उसको खुश हो जाना चाहिए, उसने जो पहले व्यवहार किया उसके लिए माफी मांगता है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो थोड़ा उससे जल रहा था, लेकिन उसको रियलाइज हो गया कि ये कितना शेमफुल है। सांचेल विकिर से कहता है कि उसका बॉडी काफी स्ट्रांग है, वो किस तरह का एक्सरसाइज करता है जरा हमें भी तो बताओ। वो सोच रहा था कि उसने माना का यूज किया है। विकिर कहता है कि वो एक कॉमनर है इसलिए वो माना का यूज नहीं कर सकता। टूडो कहता है तब तो ये और भी शर्म की बात है कि वो एक ऐसे लड़के से हार गए जो कि माना का भी यूज नहीं कर सकता। अगर उसे इस बॉडी के साथ अच्छे से ट्रेनिंग मिलता है वो भी उन्हीं की तरह एक्सपर्ट बन जाएगा। लेकिन टूडो को क्या पता कि विकिर कितना खतरनाक है। वहाँ पर कुछ लड़की आती है और टूडो को तौलिया देती है उसके पसीना पोंछने के लिए। टूडो भी उनके पास चला जाता है और उनका थैंक्स कहता है। विकिर कहता है कि टूडो और सांचेल एक दिन हीरो बनेंगे और पतन के दौरान डिमंस के अगेंस्ट ह्यूमंस को बचाएंगे, लेकिन यह सोचना कि उनका पास्ट ऐसा था। विकिर अपना चश्मा खोल अपने सर को तौलिया से पोंछने लगता है। सभी लोग विकिर को देखने लगते हैं। वो लोग विकिर को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि विकिर बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था।
और विक्री को नहीं पता था कि एकेडमी के दिन उसके परेशानी भरे हो जाएंगे। कट होता है रात का टाइम, देखते एक जगह को, दिखा जाता है एक बंदे को जो कि किसी चीज को देख के बहुत डरा हुआ था। उसको कोई बोलता है कि लॉर्ड डेस्क क्लियर, एज 52 साल और इंफॉर्मेशन हाउस का लीडर और ऑर्फ्रेंस का हेडमास्टर। तय की ये विकी रहता है जो कि हाउंट बन के डीमंस के शिकार पर निकला था। और विकी उसके क्राइम के बारे में बताता है कि ना ही उसने डीमंस के साथ हाथ मिलाया बल्कि हाई रैंक के फैमिली के बच्चे को उन्हें बेच दिया। उसने क्या सोचा था कि वो किसी के नजर में नहीं आएगा। उस बंदे की विकी की देख के पहले ही फटी हुई थी। जैसे ही विकी का वो शॉट देखता है वो हैरान हो जाता है और कहता है कि सॉलिड ओरा, वो शॉट मास्टर, वो एक स्वॉर्ड मास्टर है। विकी स्वॉर्ड मास्टर के बारे में बताता है, नहीं वो स्वॉर्ड मास्टर अभी तक नहीं बना। भले ही उसका ऑरा सॉलिड की तरह दिख रहा है लेकिन अभी भी वो लिक्विड फॉर्म में है। और हमें विकी के असली पावर के बारे में पता चलता है कि वो हाई लेवल ग्रेजुएटर बन चुका है। और विकी उस बंदे को एक ऑफर देता है कि अगर वो उसके साथ मिलकर काम करता है तो वो उसे छोड़ देगा। इससे पहले कि वो बंदा कुछ बोल पाता एक टावर आके उसके ऊपर गिरता है और उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन विकी ने अपने आप को जैसे तैसे बचा लिया था और विकी उसी की तरफ देखने लगता है जिधर से ये बिल्डिंग आई थी। वो देखता है कि वहाँ पर कोई खड़ा था। विकी को उससे एक ओवरवेलिंग एनर्जी फील हो रहा था और विकी को समझने में देर नहीं लगता कि ये वही डीमन है जिसे वो कब से खोज रहा था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब ये मानवा ऑनगोइंग हो चुकी है, अब ये वीकली एक चैप्टर रिलीज हुआ करेंगे। पर जब भी ये मानवा रिलीज होंगी तो मैं एक्सप्लेन करके डाल दिया करूंगा अपने चैनल पर। होप कि तुम लोग इसके ऊपर भी 2000 लाइक कर ही दोगे।